दिस इज़ बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर वन। ये देखें, जैसे कि बच्चे आप लोग देख रहे हो इसमें पिक्चर में कि आपने बी पार्ट को ओपन करना है अपनी बुक पेज का। इसमें देखें, लुक इन द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन। आपने डिक्शनरी में देखना है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। प्लैनेट, प्लैनेट किसे कहते हैं बच्चे? सियारा, सियारा इसका क्या मीनिंग बनता है? अ बॉडी मूविंग अराउंड द सन, एक ऐसी जिसामत जो कि सन के राउंड में घूम रही है। आप ये देखें, ये बेटा कुछ सियारे हैं जो कि हमारे स्पेस में मूव कर रहे हैं। ये सारे के सारे सियारे जो हैं ये सन के राउंड में चक्कर लगा रहे हैं। सन के राउंड जितनी भी बॉडीज़ मूव करती हैं उनको कहा जाता है प्लैनेट। उनको क्या कहा जाता है? प्लैनेट। तो बच्चों ये तो थे हमारे प्लैनेट्स। द नेक्स्ट वन इज सॉलिड, ठोस। सॉलिड, ठोस। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। जो सॉलिड कोई भी चीज़ है वो एक अपनी प्रॉपर शक्ल रखती है। जैसे कि ये देखें, हमारी ये अर्थ है, ये सॉलिड है, इसकी प्रॉपर एक शेप है। ये हमारे से हम यहाँ पे स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्पेस में ये सॉलिड चीज़ें कौन सी हैं? उनमें हमारे जितने भी सियारे हैं ये सारे के सारे सॉलिड हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, साए को। रिफ्लेक्शन इज़ द थ्रोइंग बैक बाय अ बॉडी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहते हैं कोई भी चीज़ दोबारा से वापस भेजना लाइट के ज़रिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट का अक्स जो है वो दूसरी चीज़ पे पड़े। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये जो सन की लाइट है बेटा, यहाँ से मून पे पड़ती है, फिर यहाँ से यूं जाती है, फिर यहाँ से यूं जाती है। तो बेटा ये होता है, पहले सन की जो लाइट है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सन लाइट है डायरेक्ट यहाँ पे अर्थ पे आती है, अर्थ से फिर दोबारा यूं सन की तरफ जाके फिर यूं दोबारा से आती है। ये हमारी आप देख सकते हो कि ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है। आप ये देखें, ये सन लाइट है, ये अर्थ पे आती है, अर्थ के जाने के बाद ये अर्थ से होती हुई मून की तरफ, मून से होती हुई फिर दोबारा अर्थ की तरफ आती है। ये हमारा रिफ्लेक्शन का एक वे है जो जिसकी वजह से चांद हमारा रोशन नज़र आता है। जस्ट ये सन लाइट की वजह से रोशन है, इट सेल्फ इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है मून की। द नेक्स्ट वन इज़ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सियारचा। सैटेलाइट क्या होता है? सियारचा, एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पेस में है। क्या है ये देखें, एक ये सैटेलाइट है जो कि ज़मीन से आसमान की तरफ भेजी गई हैं। तो बच्चों ये हम थी आज की हमारी बुक एक्सरसाइज। आपने इसी तरह से प्रॉपरली इसको इसी तरह रेडी करना है और इसको देखना है, इनको प्रॉपरली इनके सामने इसी तरह राइट करके लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपने अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर।